दतिया जिले के तहसील इंद्रगढ़ में झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिकों पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। लगभग 15 झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिकों पर हुई कार्रवाई। डॉक्टरों के पास नहीं मिली डिग्री। झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक कराई सील। स्वास्थ्य विभाग की भनक लगते ही क्लिनिक बंद कराकर भागे झोला छाप डॉक्टर। इस कार्रवाई में इंद्रगढ़ BMO डॉक्टर वीर सिंह खरे, तहसीलदार सुनील वर्मा, इंद्रगढ़ थाना प्रभारी बायस तोमर की संयुक्त कार्रवाई। जब कोई घटना घटित हो जाती है तब प्रशासन जागता है। डॉक्टर अशोक चौरसिया, नितिन चौरसिया, डॉक्टर सुरेश चौरसिया ग्वालियर रोड चांसी दवाखाना खेरापति स्कूल के पास ब्रजेश बघेल, यहां पर बहुत बड़ा क्लिनिक संचालित पाया गया। प्रजापति क्लिनिक, बंगाली क्लिनिक मेन रोड, भोलेनाथ दवाखाना, बंगाली क्लिनिक और अग्रवाल मेडिकल आदि क्लिनिक पर छापेमार कार्रवाई की गई। अब ये क्लिनिक आगे संचालित होंगे या बंद होंगे, राजधानी खबर का दिखा असर। दतिया जिला ब्यूरो चीफ संजीव रिछारिया की रिपोर्ट। अरे बैठो तो तुम यहाँ, तुम भक्का रहे। उम्र कितनी है तुम्हारी? लिबास कितना दिया? बड़ा अंकल है। बड़ा अंकल यहाँ नहीं रहते? नहीं रहता हूँ। बताओ ना आपके यहाँ कला हाल लिबास कहाँ हो? कौन सी जगह लगी है? चाबी लगी है। आप भी गुरु मान गया हॉस्पिटल यही रहते हैं? मतलब धंधा कंप्यूटर मैंने आपसे गलत कहा। नाम क्या है आपका? यहाँ काम करते हो? मैं चले काम करता हूँ। नर्सिंग होम में काम करते हो? नर्सिंग होम नहीं है, क्लिनिक पे चले। नर्सिंग होम में यहाँ सारे मरीज को बोतल चल रही, ट्रक चल रही, सारी ये भी बोतल, उनकी बोतल है, उन्हीं की लगा दी है। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है हॉस्पिटल का? मैं पूछ रहा हूँ। आपको पता नहीं है आप कंप्यूटर है? मुझे भी पता नहीं है। किससे रजिस्टर कराया? किस बताए? जरा इधर बताए। कौन चलाता है? क्या नाम है उनका? संजय बघेल। वो बैठते हैं कभी? बैठते हैं। इलाज कौन कर रहा है अभी? अभी चाचा जी उन्हीं की बोतल है, वो तो मैंने लगा दी। है कहाँ फिर वो? अभी ग्वालियर है। ग्वालियर है आप? दुकान खुला है काम? लिखो खान करो और नाम लिखो और काट लो। साइन करो यार, साइन करो, नाम है, साइन करो, फिर साइन कर दो। तो अपने आप ही पड़ जाएगी। जाइए टप का महाराज जिले में आपको दिखाया है, आपके साथ की दवा खाने पर खाता पड़ा हुआ है।
यहाँ पर बिना रजिस्ट्रेशन के बिना कोई डॉक्यूमेंट्स के हॉस्पिटल चलाया जा रहा था, जो कि यहाँ पर कई मरीज लेटे हुए थे। प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, मैं दिखाऊंगा ये बोर्ड लगाया कैंसर दवा खाने का। काफी दिनों से हॉस्पिटल संचालित था, यहाँ पर गुप्त चलाया जा रहा था। प्रशासन ने भी छापामार कार्रवाई की है, इसमें आप राजधानी समाचार के माध्यम से देख रहे हैं। ऊपर इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। ब्लॉक छिंदवाड़ा के अंतर्गत जितने भी प्राइवेट प्रैक्टिस अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे, उनको जिला प्रशासन की तरफ से दिए गए निर्देशानुसार उन पर छापामारी मार कार्रवाई की गई एवं जो अवैध रूप से क्लिनिक संचालित किए जा रहे थे उनको सील्ड किया गया। सर्वप्रथम सील्ड करने के बाद उनको उनके जिला सीएमएचओ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन एवं उनकी विधा योग्यता का जांच की जाएगी एवं उस जांच में अगर अनुरूप पाए गए तो क्लिनिक संचालन के लिए अनुमति दी जाएगी, अन्यथा वो क्लिनिक सील्ड रहेगी, भविष्य में वो क्लिनिक संचालित नहीं की जाएगी। सर, ये सालों से क्लिनिक चल रहे हैं, आज कार्रवाई क्यों की गई? नहीं, इससे पहले भी श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार लोगों को जितने भी अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे लोगों को स्टाफ के कर्मचारियों के माध्यम से बुलवाया गया। मेरे पास केवल 5 लोग आए उस समय, उसमें से लोग रजिस्टर्ड थे, उसके बाद फिर वो कार्रवाई का क्लिनिकों पर कार्रवाई हुई है। आज कुल 13 क्लिनिक पे छापामार कार्रवाई हुई, जिसमें सभी क्लिनिक को सील्ड किया गया। सभी क्लिनिक जो क्लिनिक खुले हुए थे उनके जांच के दौरान अवैध पाए गए। हाँ, जिनपे कुछ दवाइयाँ एवं नर्सिंग संचालन संबंधी जो सामग्री पाई गई उनको जब्त कर कब्जे में लिया गया। सर, इस प्रकार की कार्रवाई और भी होती रहेगी आगे? जी, इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि ब्लॉक सोना के अंतर्गत कोई भी इस तरह की अप्रिय घटना ना हो। सर, गाँव में जो क्लिनिक खुले हैं, झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनका क्या होगा? नहीं, अगली कड़ी में ग्रामीण क्षेत्र में संचालित जो अवैध रूप से क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई ब्लॉक स्तरीय कमेटी के माध्यम से की जाएगी। सर, आपकी कार्रवाई में कौन कौन लोग उपस्थित थे? ब्लॉक स्तरीय जो कार्रवाई के लिए कमेटी गठित हुई है उसमें श्रीमान तहसीलदार महोदय, DI साहब और अस्पताल प्रशासन। अच्छा, ये कमेटी गठित किसने की है? ये जिला स्तर से श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार एक जिला स्तरीय कमेटी, एक ब्लॉक स्तरीय कमेटी है। तो ब्लॉक स्तरीय कमेटी श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश में गठित हुई है। सर जी, अपन ने जो आज सील की है 13 दुकान है, ये एक दो दिन बाद या 3 दिन बाद अपने आप खुल जाएंगी कि इन पर नहीं कोई कार्रवाई? ये अपने संपूर्ण दस्तावेज लाकर चेक करवाएंगे, दस्तावेज अगर नियमानुसार पाए गए तो उसके बाद क्लिनिक की अनुमति दी जाएगी, अगर अवैध पाए गए तो ये क्लिनिक पूर्णतः बंद रहेंगे। यहाँ पे एक 16 वर्षीय नवयुवक एक झोला छाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से खत्म हो गया था। उसके बाद जिले से हमें निर्देश मिले थे कि जो आपके यहाँ अवैध रूप से संचालित जितने भी क्लिनिक हैं उन सबकी आप जांच करें। उसी क्रम में आज हमारे द्वारा 13 क्लिनिकों पर पहुंचे गए, कुछ मेडिकल स्टोर वगैरह भी थे जिनमें क्लिनिक संचालित था, तो मौके पर कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया। चूंकि 13 में से किसी ने भी अपने दस्तावेज नहीं दिखाए तो हमने 13 को फिलहाल सील कर दिया गया है। सर जी, 13 के आज कार्रवाई हो गई है, अगर ये कार्रवाई कुछ दिन पहले हो जाती तो शायद वो बच्चा बच जाता। क्या प्रशासन कोई मतलब हादसा हो जाता है इसी के बाद कार्रवाई करता है? नहीं, प्रशासन के द्वारा समय समय पर जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि पहले भी कार्रवाई की गई है और आज हमने कार्रवाई की है और आगे भी सतत रूप से कार्रवाई करते रहेंगे। सर, ये डॉक्टर चौरसिया अभी फरार है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई चल रही है? उसमें शायद पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया उसमें और कार्रवाई जारी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.